वन आज हम सूजी और आलू से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हल्का फुल्का सॉफ्ट नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। हरी चटनी के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलिए देर की इस बात के नाश्ता को कैसे बनाना है देखते हैं। सबसे पहले 5 ब्रेड ले लिया है, अब ब्रेड को हम साइड में रख लेंगे और इसके लिए स्टफिंग बनाते हैं। गैस पे चलेंगे, गैस पे पैन चला दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसी राई डालेंगे, राई को चटकने देंगे। थोड़ी सी अदरक, 1 हरी मिर्च काट लिया है वो डालेंगे। कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे, भून लिया है। 1 टमाटर काट लिया है बारीक से वो डालेंगे, टमाटर को भी भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। टमाटर को भून लिया है, सॉफ्ट हो गई हैं। 2 बॉयल आलू को ग्रेट करके ले लिया है वो डालेंगे। अब हम मसाले मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला, इससे चटपटी बनेंगे। मिक्स करेंगे, मिक्स कर लिया है, इस तरह से चलाते हुए 2 मिनट हम आलू को भून लेंगे। 2 मिनट आलू को भून लिया है, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब गैस को ऑफ करके ठंडा करके ले लेंगे, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। बाउल ले लिया है, 3 चम्मच बेसन ले लेंगे, थोड़ी सी नमक मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी साबुत जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से भी बना सकते हो। मिक्स करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर बना लेंगे। पानी के एक साथ नहीं मिलाना, बेटर को हमें थोड़ा सा गराई रखना है। मिक्स कर लिया है, देखिए इसी तरह से हमें बेटर चाहिए। अब इसको साइड में रख लेंगे। ब्रेड को ले लिया है, 1 पीस ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड की किनारी को हम इस तरह से कट लगा लेंगे, चारों तरफ इस तरह से काट के लेंगे। इस किनारी को आप ब्रेड ग्राम से बना सकते हो। इसी तरह से हम सभी ब्रेड को काट के रेडी करके ले लेंगे। ब्रेड को काट के रेडी करके ले लिया है, 1 पीस ब्रेड ले लेंगे। इधर आलू की स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, 1 चम्मच स्टफिंग ले लेंगे, ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। पूरी ब्रेड के ऊपर लगाना है, बहुत ही जल्दी और झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। और लगा लिया है, अब दूसरा ब्रेड ले लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। ब्रेड को बना के रेडी कर लिया है, 1 पीस ब्रेड ले लेंगे। अब हम इसको बीच में से कट लगा लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, इस तरह से हम सभी को काट लेंगे। सभी ब्रेड को काट के रेडी करके ले लिया है, इसको साइड में रख लेंगे। अब बेटर को ले लेंगे, 1 पीस ब्रेड ले लेंगे, दोबारा से बेटर को मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे, हल्के से परत लगाना है। अब हम गैस पे चलते हैं, इस पर पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 2 चम्मच घी डालेंगे, घी को इस तरह से फैला लेंगे और गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गई है, गैस का फ्लेम लो करके रखा है। इस साइड पे बेसन लगाए, वो साइड हम नीचे रखेंगे। इस तरह से सेम यही प्रोसेस है, ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे, फिर इस तरह से रख लेंगे। 1-1 चम्मच हम इधर से भी डालेंगे, इस तरह से लगा लेंगे। इस नाश्ता को बना के कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है नाश्ता। अब हम पलट लेंगे, पहले छुड़ा लेंगे, अब हम पलट लेंगे। देखिए इधर कितनी बढ़िया कलर आ गई है। पलट लिया है, 1 चम्मच घी हम इस तरह से डालेंगे। अब इधर भी 2 मिनट के लिए सेक लेंगे, फिर से पलटेंगे। देखिए इधर भी कलर कितनी बढ़िया आ गई है। अलग पलट के 2 मिनट और सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है। कम तेल का नाश्ता है, इंस्टेंट बन के रेडी हो जाते हैं। हल्के फुल्के भूख में ज़रूर बनाइए, सबको पसंद आएंगे। चाय के साथ बना के खाइए, सुबह शाम कोई भी टाइम बना सकते हो। बच्चों को टिफिन में दीजिए। नाश्ता सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है। अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने। उसके साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। उम्मीद 1 बाउल ले लिया है, 1 कप सूजी ले लेंगे, सूजी मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हो। 1/2 कप दही मिलाएंगे, 1/2 कप पानी मिलाएंगे। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, जैसे मिक्स करेंगे कोई लम्स ना रहे। मिक्स कर लिया है, इसको 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे, तब तक इसके साथ खाने के लिए चटनी बनाएंगे। मिक्सर जार ले लिया है, हरा धनिया डालेंगे, 1 टमाटर काट लिया है वो डालेंगे, 4 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियाँ, अगर खाते हो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच दही, दही के जगह नींबू का रस भी डाल सकते हो, 2 चम्मच पानी डालेंगे। अब हम चटनी को पीस लेंगे।
चटनी को पीस लिया है, अब बाउल में निकाल लेंगे। कितनी बढ़िया चटनी बनी है, बहुत ही टेस्टी बना है, एक बार ज़रूर बना के देखिए। अब साइड में रख लेंगे और एक तड़का रेडी करते हैं। गैस पे तड़का पैन चला दिया है, एक चम्मच ऑयल डालेंगे, गैस ऑन कर दिया है। ऑयल गर्म हो गई है, आधी चम्मच राई डालेंगे, चम्मच उड़द दाल डालेंगे, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, एक बारीक कटी हुई प्याज, एक शिमला मिर्च, दो हरी मिर्च। दो मिनट के लिए भून लेंगे ताकि कच्चा पन निकल जाए। दो मिनट भून लिया है, एक बॉयल आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है वो डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, वो डाल के एक मिनट फिर से भून लेंगे। तो तड़का लगा के नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे, सब मांग मांग कर खाएंगे। एक मिनट भून लिया है, तड़का हमारी रेडी है। अब गैस को ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा करके ले लेंगे। इधर हम बैटर को चेक करते हैं, इधर बैटर भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, फूल गई है। तड़का भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब तड़का को डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी जीरा पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च डाल चुके हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम मिक्स करेंगे, मिक्स कर लिया है, आधा कप पानी और डालेंगे, मिक्स करेंगे। इंस्टेंट नाश्ता बना के रेडी कर सकते हो, बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में बना के खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। मिक्स कर लिया है, देखिए इसी तरह से बैटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम गैस पे चलते हैं, गैस पे पैन चला दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल के स्तर को फैला लेंगे। अब दो चम्मच बैटर डालेंगे, हल्के से फैला लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना इस तरह से। अब इसको कवर करके तीन मिनट पका लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम करके। तीन मिनट बाद चेक करेंगे, ऊपर से ड्राई हो गई है, थोड़ी सी ऑयल इस तरह से फैला लेंगे। अब हम पलट लेंगे, देखिए बढ़िया आराम से पलट गई है। फिर से दो मिनट कवर करके पका लेंगे, दो मिनट बाद फिर चेक करेंगे, पलटेंगे, देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अलट पलट के दो मिनट और सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। पाँच मिनट में इंस्टेंट नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो भी बना सकते हो। बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है। अब हम निकल लेंगे और इसी तरह से सभी नाश्ता को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है, इस हरी चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, मुँह में देते ही घुल जाए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।